Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing good at your place. I'm Monica, your mathematics teacher. In previous classes we discussed about exercise 1.3. Today we discuss about exercise 1.4. So exercise 1.4 में ascending order और descending order के बारे में है. तो पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. तो अभी देखिए, लेट्स स्टार्ट असेंडिंग ऑर्डर. जो आपको ये पिक दिखाई दे रही है ना असेंडिंग ऑर्डर की, इसको देखिए. तो इस असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले स्मॉल नंबर से बिग नंबर की ओर जाता है ये, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे ये नंबरिंग दी हुई है तो क्या करोगे, इसमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 29. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट 29 एंड देन 30 एंड देन 31. इस तरह से सबसे पहले स्मॉल नंबर, फिर उससे बिग नंबर, फिर उससे बिग नंबर, ऐसे करके ये इस तरह से चलेगा. ओके, असेंडिंग ऑर्डर किस तरह से चलता है, स्मॉल नंबर टू बिग नंबर की ओर. असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा स्मॉल नंबर, फिर बिग नंबर, फिर उससे बिग नंबर, साइन इस तरह से लगाते जाएंगे सभी के बीच. ओके, तो यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर आपका इस तरह से चलेगा. ओके, ये रो का साइन है ना, ऐसे. डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल इससे अपोजिट होता है. ओके, असेंडिंग ऑर्डर से. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, बिग नंबर से स्मॉल नंबर की ओर. असेंडिंग ऑर्डर बिग नंबर टू स्मॉल नंबर, अपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पे नंबर दे रखे हैं 47, 45, 43, 46, 44. तो सबसे पहले क्या लिखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्या राइट करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम राइट करेंगे 43. पहले नहीं, जो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिग नंबर से स्मॉल नंबर, तो क्या राइट करोगे 47, फिर 46. तो कैसे चलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर, बिग नंबर टू स्मॉल नंबर, अपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ पे ये पिक्चर आपको दी हुई है, इसमें सबसे पहले 47, फिर 46, फिर 45, फिर 44, फिर 43. ओके, तो इस तरह से चलता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल नंबर से बिग नंबर की ओर, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर में बिग नंबर से स्मॉल नंबर की ओर. इट इज़ क्लियर. तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल नंबर से बिग नंबर की ओर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बिग नंबर से स्मॉल की ओर. अभी एक्सरसाइज है 1.4. लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज. कंपेयर ईच पेयर ऑफ नंबर, पुट ये साइन आपको दिए हुए हैं, इनको जो ये बीच में बॉक्स दे रखा है इनमें राइट करना है. ओके, तो पहले नंबर देखोगे तो स्मॉल नंबर की साइड ये आएगा, ये वाली साइड आएगी, और बिग नंबर की ओर है ये. जैसे 15 और 20 है, बीच में आपको ये साइन लगाना है, ठीक है, रो का. तो कैसे क्या लगाओगे, ये वाला साइन. तो जो स्मॉल नंबर है 15, तो इस वाली साइड ये वाला साइन, और ये बिग नंबर है 20, तो इस वाली साइड ये. ओके, इट इज़ क्लियर.
देन अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें स्मॉल नंबर कौन सा है बताओ। इसमें आप पहले डिजिट देखो, इसमें भी 4 डिजिट है और इसमें भी 4 डिजिट है, ठीक है। और फिर लेफ्ट साइड से इसमें 4 है और इसमें भी 4, इसमें 3 और इसमें भी 3, और इसमें है 7 और इसमें है 9, तो स्मॉल नंबर कौन सा हो गया। इसमें स्मॉल डिजिट यूज हो रहा है ना 7, और इसमें कैपिटल डिजिट यूज हो रहा है 9, तो स्मॉल नंबर हो गया ये वाला, तो साइन आ जाएगा ऐसे। ओके, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या करोगे, पहले डिजिट देखो, डिजिट कितने हैं इनमें, इसमें 3 to 5 और 1, इसमें भी 6 डिजिट है और इसमें भी 6 डिजिट है। फिर इधर वाली साइड से लगो, इसमें लेफ्ट साइड से लगना है आपको, इसमें 1, इसमें भी 1, 2 सेम डिजिट, फिर 2 और 3, तो स्मॉल वाला डिजिट थर्ड नंबर पर, स्मॉल डिजिट कौन सा है, 2 है इसमें और इसमें है 3, तो स्मॉल लेटर कौन सा हो गया, स्मॉल नंबर ये हो गया। ओके, क्योंकि इसमें जो थर्ड डिजिट है वो स्मॉल है इससे, तो इसमें साइन आ जाएगा इसकी तरफ ऐसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजिट देखने हैं कितने हैं, अगर सेम डिजिट होंगे फिर हम लेफ्ट साइड से लग के एक एक डिजिट देखेंगे कि किसमें स्मॉल है और किसमें बिग है, कौन सा डिजिट है वो। अगर डिजिट किसी में, जैसे इसमें अभी मैं राइट कर रही हूँ, यहाँ पे 23 और 5 और इसमें है 2, 3, 5, 1, तो पहले इसमें कितने डिजिट है, 4 डिजिट है ना, और इसमें 3 डिजिट है, तो साइन ये स्मॉल हो जाएगा, तो साइन ऐसे आ जाएगा। ओके, अगर सेम डिजिट होंगे तो, अगर यहाँ पे भी 1 हुआ तो इक्वल का साइन आ जाएगा। ओके, जैसे अभी फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, सेम नंबर है ना, इसमें भी और इसमें भी, राइट और लेफ्ट बोथ साइड सेम नंबर, देन वी यूज साइन इक्वल। ओके, इन 6 पार्ट डिजिट कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट, एंड इन राइट साइड नंबर्स 6 डिजिट एग्जिट, देन क्या करना है, लेफ्ट साइड से में ये किससे स्टार्ट हो रहा है, 4 से और ये 7 से, तो यहाँ पे यहीं से फर्स्ट डिजिट से पता लग रहा है कि ये वाला जो, ये जो नंबर है वो स्मॉल है इसकी कंपैरिजन में। ओके, देन वे साइन यूज दिस। ओके, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको इस तरह से साइन यूज करना है ओनली। सेकंड वाला क्वेश्चन, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अब आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को, कैसे राइट करोगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले स्मॉल नंबर, सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखोगे, तो पहले ये डिजिट सभी में डिजिट देखो कितने कितने हैं, 3 to 5, इसमें भी 5 डिजिट, इसमें भी 5 डिजिट, इसमें भी 5 डिजिट और इसमें भी 5 डिजिट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सभी में 5 डिजिट है, तो राइट अब लेफ्ट साइड से लिखोगे, इसमें स्टार्टिंग किससे हो रहे, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, तो फर्स्ट जो टू डिजिट है वो क्या है, सेम है। फिर थर्ड वाला डिजिट देखो सभी नंबर में, इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0, तो इन दोनों में थर्ड वाला सेम 0 0 है, इसका मतलब स्मॉल ये दोनों तो नहीं है, ये इन दोनों में से स्मॉल नंबर आएगा। फिर ये फोर्थ डिजिट है वो 2 है और ये 8 है, तो सबसे स्मॉल नंबर ये हो गया। ओके, तो सबसे पहले इसको लिखोगे फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर ये आ जाएगा, और थर्ड नंबर पर इन दोनों में देखो 2, 7, 2 और इसमें 2, 7, 8, तो थर्ड नंबर पर ये वाला डिजिट आएगा और फोर्थ नंबर पर ये। ओके, तो इस तरह से आपको लेफ्ट साइड से डिजिट देखना है।
पहले स्मॉल आ जाएगा जिसमें, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल नंबर हो जाएगा। और जो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले स्मॉल नंबर, फिर उससे बिग नंबर, फिर उससे भी बिग नंबर, और फिर लास्ट में आएगा सबसे जो बिग नंबर है वो। ओके, इसमें सेम फर्स्ट पार्ट की तरह यही है। ओके, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है, डिजिट दे रखे हैं आपको, देखो इनमें स्मॉल डिजिट कौन सा है। सबसे पहले ये 8 से स्टार्ट हो रहा है, और ये इसमें डिजिट कितने हैं, 3 to 5 और 6, और इसमें भी सभी में 6 डिजिट है। ठीक है, स्मॉल ये 8 से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला 7 से, ये 6 से, ये 4 से, जो 4 से स्टार्ट हो रहा है ये सबसे स्मॉल डिजिट हो गया। ठीक है, और सबसे बिग डिजिट सबसे लास्ट में कौन से वाला आएगा, ये लास्ट में आएगा जो 8 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये सबसे बिग है। इनके आंसर में आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, बीच में साइन इस तरह से आपको राइट करना है, बी वाला पार्ट। ठीक है, 270 फर्स्ट वाले में सबसे स्मॉल डिजिट ये हो गया, और उसके बीच में साइन इस तरह से यूज करना है, और फिर सेकंड वाला डिजिट ये है, ये इससे बड़ा है, फिर इससे बिग डिजिट ये हो गया, और इससे बिग डिजिट ये हो गया। सेकंड वाले में सेम इसी तरह से, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है ना, तो सबसे लास्ट में आएगा बिग डिजिट और सबसे स्टार्टिंग में आएगा स्मॉल डिजिट। ओके, जैसे थर्ड वाले में पार्ट में अभी मैंने बताया कि स्मॉल डिजिट कौन सा है, जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सभी में डिजिट सेम है, तो लेफ्ट साइड में आप नंबर देखोगे तो सबसे स्मॉल नंबर ये वाला हो गया। ओके, और सबसे बिग अभी बताया आपको 8 से जो स्टार्ट हो रहा है वो सबसे बिग नंबर है। इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले स्मॉल नंबर, फिर देन उससे बिग नंबर, फिर ऐसे बिग नंबर की ओर इस तरह से चलेगा जो असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर उससे अपोजिट हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करोगे, सी वाले पार्ट में क्या है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट पार्ट को कैसे करोगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है वो, उसमें सबसे पहले आएगा बिग नंबर, तो इसमें बिग नंबर कौन सा है, पहले डिजिट देखो इसमें 3, 1, 4 डिजिट है सभी में, तो ये 8 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 8 से, इसमें सेकंड डिजिट 3 है, इसमें 5 है, तो सबसे बिग डिजिट कौन सा हो गया, ये वाला, तो फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा ये। ओके, ये फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर ये वाला, सेकंड नंबर पर आ जाएगा, थर्ड पर, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बिग नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद में उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, ऐसे करके लास्ट में सबसे जो स्मॉल है वो वाला। ओके, तो सब फिर थर्ड नंबर पर ये आ जाएगा, 7 से स्टार्ट हो रहा है, फिर सेकंड डिजिट 2 है, इसका 7 से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड डिजिट 1 है, तो ये सबसे स्मॉल है, इसलिए ये सबसे लास्ट में आएगा। ओके, ये 4 नंबर पर, और इनके बीच में साइन किस तरह से यूज़ करोगे अभी देखो कैसे यूज करना है साइन। ये देखो सबसे पहले कौन सा था, ये वाला 8503 वाला। ओके, जो उसके बाद में 8375, फिर 7219 साइन डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे, क्योंकि ऐसे स्मॉल होते जा रहे हैं ना, इधर आ रहे हैं तब इस वाली साइड आ रहे हैं, तब जो नंबर है वो स्मॉल होते जा रहे हैं, इसलिए ये वाला साइन यूज करेंगे। ओके, और इसमें इस वाली साइड असेंडिंग ऑर्डर में इस वाली साइड आ रहे हैं, तो जो नंबर है वो बिग होते जा रहे हैं, तो इस तरह के साइन यूज करेंगे। ओके,
सभी में ऐसे ही करना है। इसमें ये वाला सबसे स्मॉल लेटर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बिग। फाइव के फाइव पार्ट सेम है। ओके स्टूडेंट, अब योर एक्सरसाइज कंप्लीट 1.4। ये कंप्लीट करनी है आपको। इट्स योर होमवर्क। स्टे होम, स्टे सेफ।